सीन ऐसा है कि हम श्रद्धा को मजे उसकी मजे लेने के लिए कुछ उसे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका उसके बहुत गुस्सा आता है, और वो आइस बाहर फेंक देती है जिसमें हम स्लिप होके सीधा गोबर में गिर जाते हैं, और उसके बाद ये हालत हो जाती है। हम लोग उसके ड्रेसिंग को काम वाले के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको ना गुस्सा आता है। माने वो हमें सबक सिखाने के लिए वो जूस में से बर्फ उठा के और फेंकती है जिससे मेरा पैर स्लिप होता है और मैं इसको लेके ना गोबर मुझे भी साथ में लेके गिर जाती है। मतलब ये है कि शेर को सवा शेर मिल गया। एग्जैक्टली। इस तरह के सीक्वेंस फिल्मों में भी काफी नजर आते हैं, कभी कोई याद है पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस कुछ सी फिल्म का जहां पे आपको लगा होगा? भाई अब गिरने के बाद और कौन से सीक्वेंस याद रहेंगे? हमको तो बोला गया था कि आटा होगा, बट लिटरली आटा नहीं है, गोबर है। यू कैन स्मेल इट। तो ये तरीका सही है बदला लेने का? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने थपकी को बहुत तंग किया था, गिरा दिया तो, मिर्ची पाउडर ये कर दिया उसको, बहुत सही चीजें की। तो अब हमें सवा शेर मिला है, अब हम जो इसके साथ करेंगे हमको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ऐसा लग रहा है। इतने दिन से शो कर रहे हैं, ये सबसे चैलेंजिंग आपका सीक्वेंस है ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिसगस्टिंग। वेरी डिसगस्टिंग, हमको घर पे भी नहीं भेज रहे इतना गंदा होने के बावजूद। आपने कभी पहले गोबर हाँ नहीं, मैंने एक फिल्म में किया था, मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मुझे मिट्टी का पूरा बनाया था इधर मड में, और मुझे पूरा गिराया था और मुझे बोला गया था यहाँ पे लोग सुसू करते हैं, यहाँ पे लोग पॉटी करते हैं, एंड डिस्गस्टिंग, मुझे वॉमिट हो गई थी और अभी भी वही फीलिंग आती है। एज कंपैरिजन ये वाला ज़्यादा बेटर था, ये वाला ज़्यादा बेटर था क्योंकि इसमें रियल गोबर मिक्स है। और आगे क्या टर्न ट्विस्ट देखने को मिलेगा? आगे यही मिलेगा कि हम लोग कुछ ना कुछ वैसा करने की कोशिश करेंगे उसके साथ, अब हम भी बदला लेंगे तो मतलब बदला बदला चलता रहेगा, हम बदला बदला करेंगे, वो हमें जवाब देगी फिर हम कुछ करेंगे। आई थिंक हो सकता है क्योंकि अभी वी नेवर नो, क्योंकि हो सकता है थपकी के लिए हम पॉजिटिव हो जाएं। दूर से नहीं, बीच में आ जाओ, बीच में। अरे अरे इनको आ जाओ।